नमस्कार, मैं हूं मेघा सुरोलिया। पेश करती हूं अब तक की बड़ी खबरें। सबसे पहले खबरें राज्य से जुड़ी। दो सालों के बाद स्कूल से लेकर कॉलेजों में बिराजी माँ सरस्वती। बसंत पंचमी के उत्सव में सराबोर दिखा महानगर। छात्र छात्राओं ने माँ वीणा वादनी का किया अभिनंदन। दरअसल दो साल के बाद कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए महानगर समेत जिलों में माँ सरस्वती की वंदना की गई। विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में अलग अलग तरीके से इसकी आराधना की गई। हालांकि कुछ स्कूल ऐसे भी थे जिन्होंने छात्रों को नहीं बुलाया था, वहीं कुछ स्कूल में छात्र आकर काफी खुश नजर आए। बदले जाएंगे कुछ और उम्मीदवार। दरअसल गत शुक्रवार को ही तृणमूल कांग्रेस की ओर से नगर पालिका और नगर निगम के उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी और इसके बाद से ही राज्य भर में समर्थकों द्वारा प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। अब अंतिम समय में उम्मीदवार बदलने पर जो घमासान मचा है उसे लेकर राज्य सरकार भी नरम पड़ती दिखाई दे रही है। इस मामले में राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि सुब्रत बख्शी का हस्ताक्षर जिसमें वही तालिका ठीक है, सोशल मीडिया पर वायरल की गई तालिका गलत बताई गई। अब भारत चीन सीमा से सटे इलाकों का दौरा कर पाएंगे लोग। जी हाँ, भारत चीन सीमा से सटे इलाकों में रेल लाइन बिछाने का काम भारतीय रेलवे की ओर से किया जा रहा है। इसके लिए इस बार बजट में 250 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए। वहीं इसे पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दिसंबर तक अलीपुर द्वार सेवक से लेकर सिक्किम के रंगपो तक रेल लाइन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसा पहली बार होगा कि जब सिक्किम भारत की रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ेगा। हालांकि इसे लेकर केंद्र जल्द ही समीक्षा करेगा और साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि साल भर में लाखों लोग सिक्किम के लिए घूमने को जाते हैं। फूलबगान थाना अंतर्गत काकुड़गाछी इलाके में तेज रफ्तार मेटाडोर की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। हादसे में महिला का पति भी बुरी तरह घायल हो गया। उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार कल रात दोनों पति पत्नी बाइक से घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। बिना साथी के नहीं शामिल हो पाएंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी के वैलेंटाइन डे फेस्ट में छात्र। जी हाँ, जादवपुर यूनिवर्सिटी की एक नोटिस इसी तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें साफ लिखा गया है कि जिस भी छात्र के साथ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं होंगे वो कॉलेज के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। वहीं कॉलेज प्रबंधन इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है। तृणमूल उम्मीदवारों के खिलाफ विरोध की आंच हाली शहर पहुंच चुकी। हाजी नगर का संवेदनशील वार्ड 18 व 19 के तृणमूल कार्यकर्ताओं ने आज संयुक्त रूप से जुलूस निकालकर उम्मीदवार बदलने की मांग की। विरोध जताते हुए कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर जलाकर अवरोध किया। खबर पाकर तृणमूल नेतृत्व और बीजपुर थाना की पुलिस वहां पहुंची और किसी तरह हालत को काबू में किया। देश दुनिया की बड़ी खबरें। लता मंगेशकर की हालत बेहद नाजुक। स्वर कोकिला को वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। अस्पताल की ओर से घर वालों को भी जानकारी दे दी गई है। वहीं अस्पताल और घर के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। धर्म की खबरों पर एक नजर। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित है। कहते हैं कि सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन व्रत और पूजा आदि करने से भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना विशेष फलदायी है। इस दिन भगवान सूर्य की उपासना करने से मान सम्मान और तेज की प्राप्ति होती है। क्या है एंटरटेनमेंट की दुनिया का हाल जान लेते हैं। मंदिरा बेदी की बेहद छोटी ड्रेस के आगे फीकी पड़ी मौनी, देख निकल जाएगा मुंह से उफ। अब तक के लिए इतना ही। विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।